Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आ रहा हूं कैनन का प्रिंटर। ठीक है, कैनन का प्रिंटर है यहां पे इमेज क्लास MF221D। ठीक है, 221D यहां पर मेरे सामने प्रिंटर है। इसमें इरर आ रहा है, इरर कोड है इसका E301-001। ठीक है, इस कोड क्यों आता है, ये कोड क्यों आ रहा है और इसका प्रॉब्लम्स यहां पर क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहां पर इसका सॉल्यूशन के लिए हमको करना होगा क्या। ठीक है, यहां पर मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, यहां पर टर्न द मेन पावर ऑफ E301-001 इधर आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाता हूं क्या है इसका प्रॉब्लम। ऑफ कर दिया मैंने प्रिंटर, बिल्कुल ऑफ कर दिया। ठीक है, प्रिंटर ऑफ करने के बाद यहां पर मैं करता हूं फिर से ऑन। ये देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी दिखाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मैं दिखाता हूं इसका प्रॉब्लम क्या है, यहां पर हम इसको फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पर मैं यहां पर करूंगा कि प्रिंट कमांड। ठीक है दोस्तों, प्रिंट कमांड करने के बाद यहां पे होता है आउटपुट रिपोर्ट्स, यहां पर मैं प्रिंट करता हूं। ठीक है, ओके दबा दिया। यूजर डेटा लिस्ट यहां पर है, इसको भी ओके कर दिया और यहां पे ओके कर दिया और यहां पे यस कर देता हूं। ठीक है, यस करने के बाद यहां पे हमारा बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल ये डेटा बिल्कुल प्रिंट हो रहा है। अभी यहाँ पर हमारा प्रिंटर बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या करने से यहाँ पर इरर दिखाता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंटर बिल्कुल रेडी है। रेडी दिखाने के बाद यहाँ पे मैं फिर से पेपर डाल दिया और यहाँ पर मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इरर दिखाता है, कॉपी कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम से यहाँ पर प्रिंट अभी हो रहा है अच्छी तरह से। हमारा प्रॉब्लम है यहाँ पे स्कैनर का। ठीक है, हमारा जो स्कैनर यूनिट है, हमारा ये वाला यूनिट है, इसमें बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसके लिए इसी की वजह से यहाँ पर हमारा एरर दिखा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन हम किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले हम इस यूनिट को हम निकालना होगा और इसको DSM करना होगा। इसको निकालने के बाद उसको वहाँ पर क्या है हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। अब कर दिया, अब करने के बाद यहाँ पर ये साइड वाला कवर भी मैं खोल रखा हूँ, अभी इस साइड वाला भी खोल रखा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब हमको इसको सिंपली निकालना होगा। निकालने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले जितने भी यहाँ वायर्स है इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा यही सारा केबल भी मैं भी दिक्कत हो सकता है, थोड़ी यहाँ पे भी गंदी नजर दिखा रहा है। यहाँ पड़ला हटा है ये दो साइड में, इसको दबा कर आपकी तरफ से किस तरह। ठीक है, दबा दिया मैं, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये यूनिट है, इसको मैं अच्छी तरह से देख लूंगा। ये पेपर रखा था मैंने प्रिंट करने के लिए, लेकिन भगवान यहाँ पर दो स्क्रू है, ये निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए इस साइड में इसको है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दो स्क्वायर है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अभी लगा नहीं है क्योंकि ये किसी ने इसको लगाने की कोशिश किया था। अब सिंपली हम इसको इस तरह से निकालेंगे।
निकाल दिया। ये निकालने के बाद ये ग्लास निकल जाएगा, ये देखिए ग्लास। और यहाँ पर देखने मिलेगा इसका जो सेंसर है, यहाँ पर सेंसर भी गिरा पड़ा था, ये देखिए यहाँ पे लगा। और इसका जो वायर है ये भी अच्छी तरह से अभी तक नहीं लगाया गया है, ठीक है। ये वायर है बिल्कुल, ये केबल है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं इंटर किया गया है। इसको मैं अच्छी तरह से वायर करके देखूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे डस्ट है, इसको मैं एक बार क्लीन करूँगा, ठीक है। क्लीन करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी इसको क्लीन करता हूँ, और यहाँ पे मैं हल्का सा सिलिकॉन ऑयल भी डालूंगा, ठीक है, क्योंकि इसका स्कैनर जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पर हो जाए, ठीक है। यहाँ पर सिलिकॉन ऑयल हम हर जगह पर ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे इसका जरूरत पड़ता है मैं वहाँ पर इसको इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ये सिलिकॉन ऑयल हल्का सा लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर यूनिट है जो वो अच्छी तरह से मूव हो जाएगा इसमें, इसलिए ये डाल रहा हूँ। ये लगा दिया दोस्तों। ये लगाने के बाद यहाँ पर मैं ये स्कैनर यूनिट है जो हमारा सी आई सी यूनिट, इसको मैं अच्छी तरह से उसको यहाँ पे यूज करूँगा, ठीक है। ये लगाने के बाद मैं ये कनेक्ट करूँगा, अभी ये हमारा केबल है, केबल भी मैं अच्छी तरह से यूज करूँगा। इस तरह से लग जाता है, ठीक है। इस तरह से लग जाएगा, और ये हमारा सेंसर ये लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पता नहीं सो, और ये हमारा ग्लास है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। वो नहीं मिली, क्लीन करने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ये इसको ये ग्लास को भी मैं क्लीन कर दिया, और यहाँ पे मैं फिर इसको यूज करूँगा, देखिए। कर दिया, करने के बाद हम लगाएंगे इसको टॉप कवर है। कवर लगाने के बाद यहाँ पर इसको दो इसमें था उसको मैं लगाऊंगा, दोस्तों इतने करने के बाद निकल गया था। हम रिप्लेस करना होगा ये वाला केबल को, जो इसके अंदर केबल है इसको हम रिप्लेस करना होगा। ठीक है, कुछ कर दिया, उसके बाद हम ये कवर टिका देंगे।
अपना से क्या इसको यहाँ का भी जो इसको था ये नहीं आ गई इसी में लगाना इतने लगाने के बाद इस सिर्फ इसको मैं टेस्ट करता हूँ क्या ही रहता है ये देखिए अभी तक यहाँ पर अच्छी तरह से काम नहीं किया इसीलिए यहाँ पर स्कैन करके देखेंगे हम स्कैन में दिक्कत था इसके को देखिए फिर से मिल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो करना था वो हम कर दिया लेकिन इतने भी नहीं होने के बाद थोड़ी सी यहाँ पर मैं इसका जो कनेक्शन था उसको चेक करूँगा और यहाँ पे काम पाया है तो इसके अंदर का वायर दोस्तों ये वायर की वजह से भी इलाज हो सकता है लेकिन इसको मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करूँगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया फिर से रिकॉर्ड कर दिया और यहाँ पे थोड़ी सी काट लिया मैंने इसका थोड़ा सा अच्छी नहीं था इतने करने के बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो को चेंज करता हूँ जाता है और यहाँ पे बिल्कुल देखिए रेडी दिखा रहा है पहले भी रेडी दिखाता था रेडी दिखाने के बाद भी यहाँ पर प्रिंट नहीं होता था कॉपी नहीं होता था अभी मैं इसको डालकर फिर से कॉपी करूँगा किस तरह के ठीक है उसे उठा दिया यह देखिए बिल्कुल सही प्रिंट हो रहा है यहाँ पर मैं दो तीन प्रिंट करूँगा ठीक है देखिए ठीक है फिर से करता हूँ ठीक है दोस्तों इस तरह से हमारा ये प्रिंटर है ये कैनन का कैनन इमेज क्लास MF221D मॉडल का प्रिंटर है तो दोस्तों इस तरह का दिक्कत आएगा तो दोस्तों हम इसको सॉल्यूशन करते हैं कि इसका सॉल्यूशन इसके अंदर यूनिट में होता है ठीक है दोस्तों जितने भी आपका प्रॉब्लम्स है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर जरूर करना ठीक है आज के लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से